ધોરણ 8 સબ્જેક્ટ મેથ્સ ડેટા એન્ડ ડેલિંગ. તો આમ તો એક્સરસાઇઝ કમ્પ્લીટ કરી દેવાની હતી, પણ જે એક બે દાખલા થોડા ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજા જે છે એ પણ કરાવી દઉં, એટલે તમારી આ એક્સરસાઇઝ આખી સોલ્યુશન મળી જાય તમને. તો આ પહેલો મેં નહોતો કરાવ્યો, મેં કાલે પાંચમો કરાવ્યો, એના પહેલાં બીજો ચોથો ને કરાવ્યો હતો, બીજો અને આ બીજો ત્રીજો કરાવ્યો હતો. હવે આ એક જ વધે છે પહેલો, તો એ પણ કરી દઈએ, કારણ કે એમાંથી થોડા કોન્સેપ્ટ અલગ બને છે. બરાબર, તો આ પહેલામાં ધ્યાન રાખજો, તો આના ઉપરથી તમે ઘણા બધા બીજા પણ ચાર્ટ સોલ્વ કરી શકશો. બરાબર, આમાં ધ્યાન રાખજો, આ પાઇ ચાર્ટ શાંતિથી હું સમજાવું છું, આ સમજી લેજો, આના ઉપરથી તમે ઘણા બધા બીજા પણ સમ્સ કરી શકશો. તો શું લખ્યું છે, અ સર્વે વોઝ મેડ ટુ ફાઇન્ડ ધ ટાઈપ ઓફ મ્યુઝિક. એક સર્વે આપકો દિખાયા હુઆ હૈ, કિસકા, ટાઈપ ઓફ મ્યુઝિક, કિસકા હૈ, મ્યુઝિક દેટ સર્ટેન ગ્રુપ ઓફ ધ યંગ પીપલ લાઈક ઇન ધ સિટી. મીન્સ એક સિટી દિયા હૈ, સિટી મેં પીપલ્સ કા એક સર્વે, સર્વે મેં એસા દિખાયા હુઆ હૈ કે ઇતને લોગો કો યે મ્યુઝિક પસંદ હૈ, ઇતને લોગો કો, તો ઇસમેં દેખો યે દિખાયા આપકે, ક્લાસિકલ હૈ ના વો 10%, સેમી ક્લાસિકલ 20% હૈ, લાઇટ 40% એન્ડ ફોલ્ક હૈ ના 30% હૈ. તો ક્યા હૈ કે અ એડજોઇનિંગ પાઈ ચાર્ટ શો ધ ફાઇન્ડિંગ ઓફ ધ સર્વે ફ્રોમ ધીસ પાઈ ચાર્ટ આન્સર્સ ધ ફોલોઈંગ. ઓકે, તો એ તીન ક્વેશ્ચન્સ આપકો પૂછે હુએ. ફર્સ્ટ હૈ, ઇફ 20 પીપલ લાઈક ક્લાસિકલ મ્યુઝિક, હાઉ મેની યંગ પીપલ વો સર્વેડ. તો અગર 20 પીપલ કો અગર ક્લાસિકલ મ્યુઝિક પસંદ હૈ, તો દેખો ઇસકે લિયે પહેલે હમકો પાઈ ચાર્ટ સમજના પડેગા. તો પાઈ ચાર્ટ મેં ક્યા ક્યા દિયા હુઆ હૈ વો સમજ લેતે એક બાર. કે દેખો આપ અપની ફિગર મેં દેખો, તો યહાં પે પાઈ ચાર્ટ દિયા હૈ ના, યહાં પે એક હૈ, યહાં સે એ 40% હૈ, યે 40% આપકો દિયા હુઆ હૈ ના લાઇટ કા દિયા હુઆ હૈ, કિસકા દિયા હુઆ હૈ, 40% લાઇટ કા દિયા હુઆ હૈ. ફિર 20% સેમી ક્લાસિકલ કા દિયા હૈ, ફિર સે ये 20% जो दिया है वो किसका दिया है, सेमी क्लासिकल, किसका है, सेमी क्लासिकल. फिर 10% जो है वो क्लासिकल का है, क्या है, 10% जो है वो किसका है, क्लासिकल, किसका, क्लासिकल. उसके नीचे जो फॉल्क, तो फॉल्क डांस कितने किसने किया है, 30%. तो देखो ये आपको पाई चार्ट दिया है, समझना तो आंसर इजी हो जाएंगे. जितने टोटल परसेंटेज थे ना, उसमें से 40% को लाइट म्यूजिक पसंद है. जितने टोटल स्टूडेंट है, या सॉरी कि जितने भी टोटल जो म्यूजिक सुनने वाले यंग पीपल है, उसमें से 40% को लाइट म्यूजिक पसंद है, 20% को सेमी क्लोज सेमी साइकिल पसंद है, 10 को सिर्फ क्लासिकल, और फॉल्क 30 को फॉल्क है पसंद है. ओके, तो अब आपको पूछा है, ऐसा है कि 20 पीपल को अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, क्या 20 को क्या क्लासिकल म्यूजिक पसंद है. अभी क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने थे, 10% थे, क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने थे, 10%. तो 10% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 20. 10% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 20. हमको किसकी वैल्यू चाहिए, टोटल की. तो टोटल कितने होते हैं, 100. तो अगर 10 की वैल्यू हमको 20 दी हुई है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी. मीन्स अगर 10% स्टूडेंट है, तो उसकी वैल्यू 20 दी है आपको, तो टोटल स्टूडेंट 100 है, तो 100 की वैल्यू कितनी. ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो आप अब तक पढ़ते आए हो. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. तो 100 ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, और ये थर्ड मान लो. तो थर्ड और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, और 1 जो है वो डिवीजन में चला जाएगा, मीन्स 10 डिवाइड में चला जाएगा. तो ये 0 कैंसल, तो ये 10 और ये 20, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या आ जाएगा, 200. मीन्स अगर 20% है जिसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो कितने पीपल सर्वे हो गए, तो 200. सेकंड, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो देखो जिसका परसेंटेज मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम, तो विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय अ पीपल मैक्सिमम नंबर. तो मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम नंबर लाइट म्यूजिक, तो 40%. अगर मिनिमम पूछे तो क्लासिकल, तो 10%. अगर ऐसा पूछे कि कितने लोग कंबाइन होकर 50% बनते हैं, तो क्लासिकल एंड लाइट म्यूजिक, और फॉल एंड सेमी क्लासिकल, तो ये दोनों का सम भी 50 होगा, इन दोनों का सम भी 50 होगा. या तो ऐसा पूछे कि सबसे कम कौन सा, मिनिमम, तो क्लासिकल, सबसे ज्यादा कौन सा, तो लाइट. फिर अगर ये ऐसा पूछे कि 20 पीपल जो लाइक है वो हम क्लासिकल नहीं लेते, 20 पीपल लाइक अ सेमी क्लासिकल,
तो ये जो 20 की वैल्यू है ना वो 20% की हो जाएगी, तो 20% की वैल्यू 20, तो 100 की 100। तो ये अगर क्लासिकल की जगह पे सेमी क्लासिकल का क्वेश्चन बनता है, क्लासिकल की जगह पे सेमी क्लासिकल दिया होगा तो आपका आंसर 200 की जगह पे 100 आ जाएगा। ओके, वो अपने हिसाब से ट्राई कर लेना। लास्ट क्वेश्चन, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक अ 1000 CD, हाउ मेनी ऑफ ईच पेपर ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। टोटल 1000 CDs बनाई हुई है, कितनी टोटल 1000 CD, तो 1000 CD कितने की रहेगी, 100 की 1000 रहेगी। तो हमको फाइंड करना है कि अलग अलग कितनी है, तो यहाँ पे देखो 10% की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, ये क्लासिकल की है, ये 20% है वो किसकी है, सेमी क्लासिकल की है, फिर ये लाइट की क्या है 40% है, और ये फोल की 30 है। तो इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिकल, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, ये हो गया विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, और थर्ड इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक अ 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच वुड दे मेक। तो 1000 जो वैल्यू है ना वो 100 की ले लो, मीन्स 100% की वैल्यू आपको 1000 दी है, क्या 100% जो होगी ना उसकी पूरी पूरी वैल्यू आपको 1000 दी है। तो इससे फाइंड करो कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1%, क्योंकि हमको डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना आ जाए ना, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 1000 × 1/100, तो 1 की वैल्यू होगी 10, 1 की वैल्यू क्या होगी 10, तो 1% की वैल्यू होगी 10। तो अभी ये 1% की वैल्यू 10 दी हुई है, अभी देखो अलग अलग क्लासिकल 10% है, तो अगर 1% की वैल्यू 10 है तो 10% की कितनी होगी, तो क्लासिकल में आंसर आ जाएगा 100, वैसे ही 20 × 10 तो सेमी क्लासिकल में आ जाएगा 200, वैसे ही 40 × 100 तो लाइट में आ जाएगा 400, फॉल 30 × 10 तो आ जाएगा 30 × 10 मीन्स 300। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल का 300, लाइट का 400, सेमी क्लासिकल का 200 एंड क्लासिकल का 100। मीन्स आप ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कैसेट कंपनीज से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल का आप मार्किंग कर सकते हो।